Hi guys, you are most welcome my YouTube channel, The Action English Classes. Yes friends, कहते हैं ना, खामोशी आंखों से जब बात होती है, इस कदर मोहब्बत की स्टार्ट होती है. हम तो यूं ही आपकी यादों में खो जाते हैं. पता नहीं चलता है कब सुबह कब शाम होती है. आइए इसी के साथ एक नया अंदाज हम अक्सर अपने डेली लाइफ में करते हैं ना, वहां जाओ, यहां बैठो, वहां पढ़ो, है ना. इस टाइप का सेंटेंस होता है ना, अगर बनाते कैसे हैं, कभी इस पे भी ध्यान दिया जाए क्या. आइए छोटे से अंदाज बनाते कैसे हैं, है ना. कि एक सेंटेंस है, छोटी सी एग्जांपल, जैसे बोलते वहां जाओ, स्टूडेंट्स जाओ या तो जाइए, कोई खास डिफरेंट नहीं है, बस हिंदी में डिफरेंट है, इंग्लिश में गो ही होगा. जाओ या तो जाइए, इंग्लिश का आपको गो, है ना. आओ या आइए, इंग्लिश का आपको कम. नाचो या नाचिए, इंग्लिश का आपको सिर्फ डांस. सेंटेंस में सिंपल टॉपिक लॉजिक यहाँ पे है, ट्रिक है, किसी भाव के लास्ट में आपको ओ या तो ए का सेंस हो तो उसका इंग्लिश क्या होता है, सिंपल होता है, भाव का फर्स्ट फॉर्म होती है. सिंपल बोले तो फर्स्ट भाव का फर्स्ट फॉर्म. तो जाओ या जाइए, जाओ को आएगा या तो जाइए, इंग्लिश का सिर्फ गो आएगा. बैठो या तो बैठिए, इंग्लिश क्या आएगा, बैठो को आएगा, तो बैठो को या तो बैठिए, ए आता है ना, इसके लिए क्या होगा आपको सिट होगा, ना कि सिटिंग या सिट्स होगा वहां पे, सिर्फ वी वन एंड सिंपल फॉर्म होती है. आइए इसको बनाते कैसे है ना, एक छोटी सी अंदाज यहाँ पे है ना, वहां जाओ जो काम है ना मेरे स्टूडेंट्स, उसका यूज हमें सबसे पहले करना है. यहाँ पे है जाओ या जाइए, इसका इंग्लिश क्या होगा आपको गो. आप यहां से पीछे आगे बढ़िए तो वहां, इंग्लिश क्या होगा आपको देयर, वहां जाओ. एक और दिखा दूं मैं, यहां पे कह दिया है यहां बैठो, यहां बैठो उससे लास्ट से, या यहां बैठिए, एक ही चीज हुआ. जब बनाएंगे तो क्या होगा, जो वर्ब है ना, जो काम है ना, उसे आगे सबसे पहले देना है हम लोग को. यहाँ पे काम है बैठो को या बैठिए, इंग्लिश का यहाँ पे सीट, फिर पीछे से आगे बढ़ना है यहाँ, इंग्लिश का आपको हियर, यहाँ बैठिए, बैठो यहाँ बैठो, यहाँ बैठिए. आइए एक और देखते हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस कह दिया है इसे खाओ, इसे खाओ. जब बनाएंगे कैसे, खाओ इट, और इसे कैसे याद करो आपको इट 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 या इट दिस, इसे खाओ, दिस में भी किस होता है ना, इसे खाओ इट दिस, है ना. नेक्स्ट एग्जांपल, ऐसे में आप ऐसा कहा जाए, नहीं दिया हुआ हो वहां मत जाओ, से वहां जाओ वहां मत जाओ, या वहां मत जाइए, वहां मत बैठिए, वहां मत सोइए, है ना. जब बढ़ाएंगे दिया हुआ आपको यहां मत खाओ या यहां मत पियो, ऐसा दिया हुआ हो तो बढ़ाएंगे क्या, तो मत का सेंस होता है आपको नहीं, जैसे क्या होता है आपको डू नॉट, शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, हिंदी क्या आपको नहीं या तो मत. अगर बनाना कैसे है इसमें, यहां पे मत खाओ तो मत कहने का डोंट, सबसे पहले यहां पे देंगे कि आपको डोंट, मत जो होगा नेगेटिव जो होगा इसमें उसका यूज सबसे पहले होगा, मत खाओ पे डोंट देंगे, तब जो काम है उसका कहने खाओ, तो इसके आगे आपको इट, फिर पीछे आगे बढ़ेंगे यहां, यानी इससे यहां आपको हियर बन गए, है ना. एक एग्जांपल और देख लेते हैं, यह मत खरीदो, ऐसा दिया हुआ है,
कैसे बनाएंगे इसको? मत दिया हुआ, सबसे पहले यहां पे डोंट प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो डोंट मिस मत, डोंट करना ही होता बाय या कहीं होता दिस, या आप इट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दो सेम चीज है ना। तो यहां सेंटेंस में सिंपल में दे या आपको मनाए किया जाए, नेगेटिव फॉर्म में हो यानी इसमें मत दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो, डॉट को बाहर निकाल देना है, उसके जस्ट बाद जो अंदाज होती है पीछे से आगे देते जाएंगे, इंग्लिश आसानी से मेडियो स्टूडेंट बन जाएगा। आई होप ये अंदाज आप समझ गए होंगे। थैंक यू मेडियो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।